तो अब हम बात करने वाले हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। क्या होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कैसे हम इसको यूज करते हैं और कहाँ ये यूज आती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आई क्या और इस प्रॉब्लम क्या सॉल्व करती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आती थी ना, वो आती थी जब हम एलेक्सा वगैरह डिवाइसेस बनाने की कगार पे थे। बहुत टाइम पहले जब एलेक्सा, गूगल और जो आपका बिक्सबी असिस्टेंट्स हैं, ये सब नहीं थे, तब क्या था, तब हमने कंसेप्ट ढूंढा था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्चुअली में काम आता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि रिगार्डिंग होती है आपकी स्पीच और टेक्स्ट। अब आप एलेक्सा को कोई स्पीच देते हो, ये एलेक्सा ये जो भी आप देते हो, इससे क्या होता है वॉइस असिस्टेंट एक्टिव हो जाता है, वो आपका काम करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व की थी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, कि आप स्पीच और टेक्स्ट मशीन को कैसे समझा सकते हो। तो ये वर्क करते हैं ऐसे एल्गोरिथम पे जिसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में स्टेप्स क्या होते हैं उसको फटाफट से देखते हैं, शॉर्ट रिवीजन करते हैं फटाफट से। देखो सबसे पहले आता है सेंटेंस सेगमेंटेशन। सेंटेंस सेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी आपके बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं ना, उसको हम तोड़ देते हैं इनटू सम सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला स्टेप ध्यान रखना, हम जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं उसको हम तोड़ेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है वर्ड टोकनाइजेशन। वर्ड टोकनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो सेंटेंसेस हमें मिले हैं ना, अब हम उस सेंटेंसेस को तोड़ेंगे इनटू वर्ड्स, जिसको हम बोलेंगे टोकन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने कहा सेंटेंस सेगमेंटेशन, जिसमें बड़े बड़े पैराग्राफ को हमने तोड़ा किसके अंदर, सेंटेंसेस के अंदर। फिर हमने देखा वर्ड टोकनाइजेशन, जिसमें हमने क्या किया, अब सेंटेंसेस को तोड़ा वर्ड्स के अंदर और उस वर्ड्स को हमने नाम दे दिया टोकन्स, उसको हम बोलते हैं वर्ड टोकनाइजेशन। देन उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है प्रिडिक्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो हमें वर्ड्स मिले हैं सेंटेंस से, हमें जब वर्ड्स मिले हैं, ठीक है, जो वर्ड टोकनाइजेशन से हमें वर्ड्स मिल गए, अब उस वर्ड्स का हम प्रिडिक्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रिडिक्ट करेंगे। हमारा थर्ड स्टेप ये होगा कि हम जो वर्ड मिले हैं वर्ड टोकनाइजेशन से, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता लगाना। ठीक है, वो चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हम ये पता लगाएंगे कि व्हाट सेंटेंस इज अबाउट, वो सेंटेंस है किसके बारे में। ठीक है, और हम ये भी पता लगाएंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो रखता है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब जब हमने ये पता लगाया कि उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि है ग्लैमेटाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉडल है, इस मॉडल को हम क्या करेंगे, कुछ हमारे रूट वर्ड्स देंगे। जो हमारा मॉडल है इसको हम क्या करेंगे, कुछ रूट वर्ड्स दे देंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, फिफ्थ स्टेप होगा, वो क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉप वर्ड्स। अब कुछ ऐसे स्टॉप वर्ड्स होते हैं ना, जैसे ये कुछ वर्ड्स होते हैं स्टॉप वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं, और ये जो वर्ड्स हैं ये कुछ अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता एक्चुअली में सेंटेंस में। तो ये जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करेंगे, हम उसको रिमूव कर देंगे, जिससे हमारा जो एनालिसिस है, जो हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, वो आराम से हो सके। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमारे स्टॉप वर्ड्स है उसको रिमूव कर देंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है डिपेंडेंसी पासिंग। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखो अब हमारे जो वर्ड्स हैं और जो सेंटेंसेस हैं ना, उसके बीच का रिलेशनशिप पता लगाएंगे। अब हमें देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, सेंटेंस सेगमेंटेशन किया, फिर हमने क्या किया, वर्ड टोकनाइजेशन किया, उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रिडिक्शन किया, फिर हमने लैमेटाइजेशन किया, हमारे मॉडल को हमने रूट वर्ड्स दिए, फिर हमने स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करा। अब हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी पार्सिंग में जो हमें वर्ड्स मिले हैं फाइनल वर्ड्स, सारे स्टॉप वर्ड्स वगैरह हटाने के बाद, हम उसके अंदर बीच में क्या ढूंढेंगे, रिलेशनशिप को ढूंढेंगे। अब रिलेशनशिप के बारे में पता लगाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, जो सिमिलर वर्ड्स होंगे उनको अलग कर देंगे और कुछ और सिमिलर वर्ड्स होंगे उनको हम अलग कर देंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइंडिंग नाउन फ्रेज। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स को अलग अलग कर रहे हैं। फिर आता है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। अब नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन में हम क्या करेंगे, जो वर्ड्स हमें मिले हैं उसको हम रियल एंटिटी जो इस वर्ल्ड में, उसके साथ क्या कर देंगे, मैप कर देंगे। तो वो हमें क्या मिल जाएगा, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। और एट द एंड हमारा आएगा कंसेप्ट रिजोल्यूशन, जिसमें क्या करेंगे कि कुछ ऐसे सिमिलर वर्ड्स होते हैं ना, जैसे बफेलोज है और ये बफेलो, दोनों सिमिलर साउंड करते हैं कंप्यूटर को, तो हम उस कंप्यूटर को ये बताएंगे कि तुम्हें इन बीच में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बताएंगे कि दोनों अलग अलग टोकन है और उनका मतलब अलग है। बफेलोज मतलब होता है प्लूरल और बफेलो मतलब होता है सिंगुलर, तो हम उसको ये मतलब बताएंगे। तो ये हमारा आता है कंसेप्ट रेजोल्यूशन में, कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिसको कंप्यूटर को मतलब नहीं पता, जिससे वो कंफ्यूज हो सकता है, उसको हम रिमूव कर देंगे। तो हमने क्या देखा बराबर से, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सेंटेंसेस को तोड़ा इनटू मतलब जो पैराग्राफ है उसको हमने तोड़ा सेंटेंसेस में, जो कि आपका था सेंटेंस सेगमेंटेशन, सेंटेंसेस को सेगमेंट करना। नेक्स्ट स्टेप था वर्ड टोकनाइजेशन, हमने सेंटेंसेस को तोड़ा वर्ड्स के अंदर। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन करना, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब वगैरह के बारे में पता लगाया। उसके बाद हमने लैमेटाइजेशन के अंदर क्या किया, लैमेटाइजेशन में हमने हमारे मॉडल को कुछ रूट वर्ड्स प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया, डिपेंडेंसी पार्सिंग के अंदर, उससे पहले हमारा ये आता है
स्टॉप वर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हमें कुछ स्टॉप वर्ड्स थे ए द वगैरह उसको हमने हटा दिया, जिससे हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नॉइजी ना हो। और फिर हमने क्या किया, डिपेंडेंसी पार्सिंग के अंदर वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप्स के बारे में पता लगा लिया, और डाउन फेज के अंदर क्या किया, जो हमारे सिमिलर वर्ड्स उनको ग्रुप कर दिया, और नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन में हमने उस वर्ड्स को मैप कर दिया, और एट द एंड कॉन्सेप्ट रेजोल्यूशन में जो वर्ड्स में कंफ्यूज हो रहा था वो उसको हमने उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया। तो ये था पूरा हमारा जो फुल फ्लैश एनएलपी कैसे वर्क करता है, क्या काम होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे कि कुछ ऐसी टेक्निक्स है, सर्च टेक्निक्स के बारे में पता लगेंगे, ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स के बारे में पता लगेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।